स्टेट में कोसाप जो स्टेट का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉइज का सभी एसोसिएशंस का एक का एपेक्स बॉडी है तो उसका अंडर में हम लोग स्टेट में पूरा एंटायर स्टेट एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये धरना रखा है आज पीसफुल धरना है और हम लोग भी यहाँ पप्पू परे में यूपीआई हेडक्वार्टर में 2 घंटा के लिए धरना रखा है तो इसमें डिमांड्स आप देखे होंगे इसमें आपका एनलमेंट ऑफ एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम को हटाने के लिए और जो ओपीएस है जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको रेस्टोर करने के लिए डिमांड है। ये नॉट ओनली हमारा स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का ही नहीं, ये पप्पू परे का एम्प्लॉय का ही नहीं, ये पूरा ऑल ओवर नेशन का पूरा इस इंडिया का एम्प्लॉय का सेंटिमेंट है क्योंकि ये एनपीएस में हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है आफ्टर रिटायरमेंट और इसका डिटेल में आपको जा नहीं पाऊंगा, बहुत लंबा होगा कहानी थोड़ा बताने से और आप लोग भी इसका ऊपर रिसर्च किए होंगे, आप लोग भी न्यूज़ चलाया है कुछ एक दो महीना पहले भी देखा है तो आप लोगों को भी नॉलेज होगा इसका ऊपर एनपीएस का ऊपर। और दूसरा है इसमें हम लोगों ने 6 CPC का गठन के लिए यानी कि सेंट्रल पे कमीशन का गठन के लिए ये एवरी 10 ईयर्स में सेंट्रल पे कमीशन का गठन होता है तो इस साल हम लोगों को लग रहा है अभी 23 पहुंच गया 2023 पहुंच गया तो 2026 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन होना है तो जितना आपका पे कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन जितना लेट होगा उतना ही स्टेट में एक जो एरियर का बर्डन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पड़ जाता है तो इसलिए हम लोग चाहता है कि सेंट्रल पे कमीशन जल्दी लागू हो ताकि कल को स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एरियर का बर्डन ज़्यादा ना हो। एंड तीसरा पॉइंट इसमें हम लोगों ने आपका जो रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज जिसमें जो भी है एसएससी का अंदर में आईएससी का अंदर है एनआरएचएम का अंदर है और कंटिजेंसी स्टाफ से ये सब इश्यूज है, 5-6 इश्यूज आप देख ही रहे हैं, आप लोगों ने देखा है तो उस इश्यूज का ऊपर में हम लोग ये आज धरना रखा है। कौन कौन सा डिपार्टमेंट से हमें पार्टिसिपेंट किया? ये पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पूरा जो अरुणाचल में जो भी डिपार्टमेंट है ऑल ओवर इंडिया जो भी डिपार्टमेंट में एवरी डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ही डिमांड है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ये सेंटिमेंट है, ये इशू है। आप लोग डीसी को एक मेमोरेंडम सबमिट किया है तो क्या था वो मेमोरेंडम? हमने अभी मेमोरेंडम जो डीसी का ट्रोस है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को दिया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम लोगों ने वहाँ लिखा है कि आपका ट्रोस है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर को आप अप्राइज कर दीजिए कि हमारा स्टेट में भी यही सेंटीमेंट जो नेशन वाइड सेंटीमेंट है और वही सेंटीमेंट हमारा स्टेट का भी एम्प्लॉय का सेंटीमेंट है तो इसलिए हमने एच सी एम को डीसी का ट्रोस है हम लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया। कल जो है हम स्टेट का जो कोसाप का प्रेसिडेंट है उनसे बात किया था, उनका कहना था कि जो एनपीएस है वो सिस्टम को खोखला कर देगा, नया जो एम्प्लॉई है उनका जिंदगी जो है मतलब खोखला कर देगा, तो आप इसमें क्या कहते हैं और आपका अंदर में जो पप्पू परे का अंदर में कितना एनपीएस का तहत जो एम्प्लॉइज है? अभी उसका एग्जैक्ट फिगर मेरा पास में डाटा नहीं है लेकिन आप देखिए अभी जो ओल्ड पेंशन में बिफोर 2006 जितना भी अपॉइंटमेंट हुआ है दे आर अंडर द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट तो अभी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट में पप्पू परे में ही नहीं और एंटायर स्टेट में एनपीएस का जो सब्सक्राइबर है यानी कि एनपीएस का अंदर में जो भी एम्प्लॉय है वो बहुत ज़्यादा है नंबर्स पे से यू कैन से 60-40 जैसा नंबर होगा तो इस तरीके से अभी जैसा हमारा प्रेसिडेंट सर ने कल रेफर किया
तो उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अभी जैसे मैंने बोला, एक रिटायरमेंट होने के बाद एक आदमी को क्या चाहिए, एक सिक्योर लाइफ जीना चाहते हैं। रिटायरमेंट के बाद तो मैं कूड़ बेलचा नहीं मार सकूँगा, तो मैं आराम से एक रिटायर होकर आराम से बैठना चाहूँगा। तो यहाँ के NPS में, मैंने थोड़ा पहले भी बताया मेरा स्पीच में, यहाँ NPS में हमारा रिटायरमेंट के बाद में हमारा ही पैसा जमा किया वाला का 60% हमको दे रहा है और अनदर 40% को फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट कॉरपोरेट्स में, कई लाइफ इंश्योरेंस में, वो भी हमारा पेंशन को हमारा ही पैसा से खरीद के पेंशन दे रहा है। ये कहाँ का जस्टिस है, इसको हम समझ में नहीं पाए। इसलिए ये पूरा देशव्यापी एक सेंटिमेंट है NPS का। ज़रूर ये सेंट्रल स्कीम है, लेकिन इसमें आपका कोई कोई स्टेट जो अपना सोच के CM जो कोई कोई स्टेट में लागू नहीं किया, जैसे आपका क्या राजस्थान हो गया, ऐसे टाइप का कोई कोई स्टेट में, तो आप क्या आप लोग क्या स्टेट हम लोग का स्टेट का CM को कुछ ऐसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम लोग का स्टेट में एटलीस्ट इसको उठाया जाए इसको? हाँ, हमने लास्ट अगस्त में भी CM का साथ, हमारा जो नया कोसप टीम कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद में हमने CM को ये मैटर को अप्राइज भी किया था, तो CM ने बोला देखते हैं इसका ऊपर हम लोग चर्चा करना पड़ेगा, चर्चा का विषय है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का विल का ऊपर डिपेंड है, अगर स्टेट गवर्नमेंट करेगा सोचने से ज़रूर करेगा, बिकॉज अभी आप लोगों को मालूम है 4-5 स्टेट में इसको एनरोलमेंट कर चुका है एंड OPS सिस्टम को लाया है। राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, ये सब स्टेट 5 स्टेट्स जो है इसको OPS सिस्टम को रिस्टोर किया है। तो हमारा अरुणाचल यहाँ में उन लोगों का कंपेयर में एम्प्लॉई कम है, तो एक तो हमारा स्टेट का जो गवर्नमेंट इसको कर सकना चाहिए, मेरा ये भरोसा है।